तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो यार देखो, कोई इंट्रो नहीं होगा आज की वीडियो में, कोई भी ऐसा कुछ नहीं होगा, इंट्रो या बैकग्राउंड म्यूजिक कुछ नहीं होगा। सिर्फ ये वीडियो एक आपको बताने के लिए, वॉर्न करने के लिए और कुछ समझाने के लिए। देखो मैं एक गेमर हूँ, गेमिंग यूट्यूब चैनल चलाता हूँ और काफ़ी, और देखो इंडिया में रहता हूँ, ठीक है। मैं एक्चुअल में मैं न्यूज़ चेक कर रहा था अभी कुछ कल परसों, तो मुझे ये न्यूज़ हाथ लगी, मैं दिखी तो मैंने इसे खोल लिया और देखने के बाद पता चलता है कि हमारे ये केस, असल में आपको बता देता हूँ, अभी कुछ दिनों पहले, मतलब इसी पिछले हफ्ते की बात है, हमारे अहमदाबाद में एक वडोदरा नाम से गलत दे रहा हूँ, तो वडोदरा नाम का शहर होगा, उसमें हुआ ये एक एक्सीडेंट हुआ है कि एक दो कपल थे, मतलब मैरिज कपल थे, कपल मैरिज जो होता है ना, तो जो वाइफ मतलब जो हस्बैंड एक मतलब समझ सकते हो ना, एक आदमी था एक औरत थी, और जो उनकी वाइफ थी उनका लॉकडाउन चल रहा है समझ सकते हो, और वो अपने हस्बैंड को रोकने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम लूडो गेम खेलते हैं। आप जानते हैं इस तरह लूडो गेम चल रहा है, बहुत लोग खेल रहे हैं, मैं कोई हेट नहीं कर रहा उस गेम के लिए, अच्छी बात है, वो गेम बहुत अच्छा है, मैंने खेला है, पर डिसाइड उनकी वाइफ ने ये किया, मतलब लेडी ने डिसाइड किया कि मैं अपने हस्बैंड को लूडो गेम खिलाऊंगी ताकि वो घर से बाहर निकले इस लॉकडाउन में, मतलब कोरोना वायरस से दूर रहें और घर में ही रहें, डिसाइड ये किया। पर हुआ ये, जैसे जैसे उन्होंने गेम खेला, और लकीली देखो आप खुद जानते हो लूडो जैसे गेम में कोई भी जीत सकता है, आप अगर कोई नहीं भी चाहेगा ना कि नहीं जीतना, मुझे नहीं जीतना, तब भी वो लकी बाई चांस जीत जाता है, इसमें किसी का हाथ नहीं होता। देखिए वो एक रैंडम प्लेयर होती है, मतलब रैंडमली डाइस स्क्रोल होती है और जो भी नंबर आता है वो रैंडमली आता है। पर हुआ ऐसा कि जैसी मतलब तीन शायद वो एक बार उन्होंने गेम खेला, साथ में ऑनलाइन गेम खेला, और जितनी उसमें से जो वाइफ थी, उनकी वाइफ थी, वो जीत गई। तो आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं, आर्टिकल के लिए उसमें लिंक पूरी दे रखी है मैंने, जो इंसिडेंट हुआ है। तो ये काफ़ी दुख की बात है कि सिर्फ गेम हारने से उनके हस्बैंड ने अपनी वाइफ को, मतलब एक आदमी अपनी वाइफ को इतना मारा कि मतलब स्पाइनल कितनी ज़्यादा इंजरीज हुई, आप पूरा आर्टिकल पढ़ सकते हो। देखो मैं आपको कोई पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, आप चाहो तो अगर आपको नहीं विश्वास हो तो आपको आर्टिकल की लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। और मैं आपको ये वीडियो कोई लंबी नहीं बनाऊंगा, बहुत छोटी बनाऊंगा, ना मैं इसको कोई रेवेन्यू चाहिए, ना मुझे कुछ इसके शेयर चाहिए, ना आपको मैं कह रहा चैनल सब्सक्राइब करिए ना लाइक करिए, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना, स्प्रेड कर देना ताकि उनको ये वीडियो दिख सके। प्रॉब्लम ये हुई कि बहुत ज़्यादा मतलब समझ सकते हो ना, मैं कह नहीं पा रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैंने आर्टिकल देखे मुझे दुख भी हुआ कि एक गेम के लिए इतना ज़्यादा ऐसा तरा गया। और उसके बाद पता चलता है कि उन्होंने जब पुलिस कंप्लेंट की, उसके बाद देखा गया तो उन्होंने डॉक्टर को, पहले बार डॉक्टर को दिखाया, उसके बाद वो घर आई तो उन्होंने, असल में उन्होंने अभी तक पुलिस केस नहीं कराया, अब तक कोई ऐसी FIR नहीं हुई है उनके ऊपर, मतलब उनके हस्बैंड, उन्होंने अपने हस्बैंड के ऊपर कोई FIR नहीं करी, सिर्फ वो अपने जो उनकी मदर्स के घर थी, मतलब अपनी मम्मी के घर चली गई हैं। तो देखो मेन पॉइंट यही है इस वीडियो का, हमारे देश में, खासकर हमारे देश में ऐसे इंसिडेंट बहुत होते हैं और रोज़ होते हैं, क्या पता इस समय कहीं हो रहा हो। और बहुत से ऐसे लेडीज़ हैं जो कि वो आवाज़ नहीं उठा पाती, उनको लगता है उनकी कोई मदद नहीं करेगा। तो यार मैं उनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो प्लीज़, अगर आपके आसपास कोई ऐसा कुछ इंसिडेंट हो रहा है या आपके साथ हो रहा है तो प्लीज़ आवाज़ उठाओ, आपके लिए सिक्योरिटी है, पुलिस दी हुई है, आप पूरा उनकी यूज़ करो। और आप अगर एक किसी के हस्बैंड हो, आप वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ हो सके तो आप कभी ऐसा मत करना, मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। देखो मैं अभी इतना, मेरी एज नहीं है, पर फिर भी मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी मतलब अजीब बात है, हमारे देश में ऐसा होता है जहाँ पर औरतों को इतना माना जाता है, देवी माना जाता है, फिर भी इतना कुछ किया जाता है। तो मेरे ख्याल से सब यार, बस मैं आपसे कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं मैं जानता हूँ काफ़ी कम लोग देखेंगे, पर फिर भी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ शेयर कर दो और ख़ासकर उनको पहुँचाओ जो इस चीज़ को सहते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बस और कुछ नहीं कहूँगा, और ना कोई आपको सब्सक्राइब करो मत करना यार, देखो मैं कुछ नहीं चाहता इस वीडियो से, बस सब शेयर कर देना। तो आज की वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तो के लिए बाय, टेक केयर।